नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। रुद्रप्रयाग जिले को आपदा प्रबंधन के लिहाज से मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका फैसला शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट में लिया जाएगा। आपदा से बर्बाद हुई केदार घाटी नए रूप में नजर आएगी। राज्य कैबिनेट ने जिले को आपदा प्रबंधन तंत्र के लिहाज से मॉडल जिले के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। वहीं आपदा जैसी हालत में स्थानीय प्रशासन को टेंडर प्रक्रिया के बजाय 5 करोड़ तक के कार्य करने का अधिकार दे दिया गया है। मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत गठित डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सशक्त बना करके उसके एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के तौर पर कार्य करने के लिए अधिकार प्रदत्त किया गया, ताकि अगर कहीं पर कोई आपदा की स्थिति उत्पन्न हो तो नॉर्मल टेंडर प्रक्रिया में जो विलंब होती है उसके स्थान पर आप डायरेक्ट वर्क बेसिस ऑर्डर, वर्क ऑर्डर देख करके कार्य कर सकते हैं, जिसमें तकनीकी सलाह के आधार पर। वहीं केदारनाथ धाम क्षेत्र में पंडे पुरोहितों के पुनर्वास के लिए 90 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इससे पहले सरकार ने 7 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था, लेकिन अब भवन पूरी तरह से गिराए जाने हैं, लिहाजा मुआवजे की रकम बढ़ाई गई है। केदारनाथ धाम के अंतर्गत भवन, लॉज, स्वामियों, तीर्थ पुरोहितों के पुनर्वास एवं मुआवजा प्रदान करने के संबंध में थोड़ा और अधिक धनराशि उपलब्ध किया जा रहा है, जो प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा स्वयं वहां के स्थानीय लोगों के साथ विचार विमर्श करके प्रस्तुत किया गया। 2013 आपदा के दौरान केदारनाथ में भारी विनाश हुआ, लेकिन बीते 1.5 सालों में राज्य सरकार ने अलग अलग एजेंसियों की मदद से वहां काफी हद तक आवाजाही लायक मार्ग बना लिए हैं। कैबिनेट के इस फैसले से भी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को हुई बैठक में घवर के आश्रितों को नौकरी देने का भी रास्ता साफ कर दिया, जबकि पेयजल निगम के 443 कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को सौंप दिया गया। शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की बैठक कई मुद्दों पर अहम रही, खासतौर पर घ वर्ग के आश्रितों को नौकरी देने का रास्ता साफ कर दिया। हालांकि वेतन आयोग समूह घ की भर्तियों को समाप्त कर चुका है, लेकिन राज्य कैबिनेट ने आश्रितों को नियुक्ति में छूट देने का फैसला किया है। पिछले वेतन आयोग के द्वारा समूह घ के पद को जो है समाप्त कर दिया गया, परंतु दुर्भाग्यवश अगर किसी कर्मचारी का सेवा काल में ही मृत्यु हो जाता है और उनके आश्रित की शैक्षिक अर्हता है ऐसी हो, वो काली श्रेणी ग के हो, तो यद्यपि ये प्राविधान है कि उसमें ग श्रेणी में कोई नियुक्ति नहीं होगी, परंतु ये मृतक आश्रित श्रेणी के लिए ये रिलैक्सेशन प्रदान की गई ताकि उनको सेवा का अवसर प्राप्त हो सके। उधर पेयजल निगम ने 443 कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को सौंप दिया है, ताकि मुख्य सचिव अन्य महकमों से चर्चा कर एक नीति तैयार करेंगे। पेयजल निगम में कुछ फील्ड कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव आया था, यह निर्णय हुआ कि मुख्य सचिव और एसीएस पेयजल और एसीएस वित्त के साथ बैठक करके और अन्य अवस्थापना विभाग जैसे पीडब्ल्यूडी और सिंचाई इत्यादि का एक समान प्रकार की नीति बनाया जाए, ताकि जो वर्क चार्ज को किस प्रकार से नियमित नियुक्ति प्रदान कर सके। दरअसल पेयजल समेत कई विभागों में सालों से संविदा पर कर्मचारी रखे हुए हैं, जो नियमितीकरण की मांग समय समय पर उठाते रहते हैं। कैबिनेट के फैसले से इनके नियमितीकरण की दिशा में कदम उठाया जा सकेगा। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रदेश कैबिनेट में FL2 को लेकर भी फैसला लिया गया। अब इस मामले को कैबिनेट की उपसमिति तय करेगी, जिस पर बीजेपी का कहना है कि उनके दबाव के चलते सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, जबकि कांग्रेस बीजेपी के नेताओं पर ही सवाल उठा रही है। FL2 के बारे में भी पृथक से एक उपसमिति मंत्रिमंडल का माननीय
आबकारी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय पर्यटन मंत्री, सहकारिता मंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री एवं उद्यान एवं फल संस्करण मंत्री, इनके उप समिति गठित हुई है। देखिए, सरकार ने अपने निर्णय को पलटा है और बैकफुट पे आई है भारतीय जनता पार्टी के दबाव पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि FL2 पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए और विशेष तौर पर एक व्यक्ति पूरी तरह से यहां के थोक लाइसेंस को अधिकार में ले ले, ये बात उचित नहीं है। इस निर्णय का, चूंकि एक MBN और GMBN को देने का निर्णय सरकार ने लिया है, उसके माध्यम से निश्चित रूप से कहीं न कहीं माफिया का एकाधिकार समाप्त होगा और उससे बेरोजगारों को रोजगार भी प्राप्त होगा और उसके साथ साथ राज्य की राजस्व की आमदनी भी बढ़ेगी। अब पहले वो 2007 से 12 का हिसाब दें तो तब तो कुछ कहें उनको कि उन्होंने 2007 से और 12 तक क्या किया, और जब खंडूड़ी जी को हटाया गया था मुख्यमंत्री पद से, तो जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है दिल्ली में अशोक रोड में, जो मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद वो किसकी गाड़ी में बैठ करके उस मुख्यालय में गए थे, उसके बारे में अगर वो जवाब दे देंगे तो मैं उनका बड़ा आभारी रहूंगा। और उत्तराखंड में दशकों से अटके पड़े ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का काम रफ्तार पकड़ने लगा है। रेल विभाग जमीन सर्वे का काम पूरा कर राज्य सरकार और वन विभाग को भेज रहा है। 126 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के लिए वन विभाग को जमीन मुहैया कराना है और प्रोजेक्ट के लिए 315 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसके बदले वन विभाग को दोगुनी जमीन देनी होगी। वन मंत्री दिनेश अग्रवाल के मुताबिक देहरादून ऋषिकेश रेंज का काफी काम पूरा हो गया है और राज्य सरकार पूरा सहयोग कर रही है। रेलवे विभाग जब अपनी सब औपचारिकता पूरी करके लाएगा, राज्य सरकार का रोल वहां से शुरू होता है। हमने कहा कि जैसे ही वो सब चीज पूरी करके ले आएंगे हम उनके साथ खड़े हैं। अब देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो उनके ऊपर लगता है कि उनकी कितनी पावर है, मैन पावर कितनी है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी क्या है, लेकिन चाहिए ये कि रेलवे इस काम को जल्द से जल्द करे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चमोली जिले का दौरा किया। उन्होंने अपने दौरे में जलासू पहुंचकर कई तहसील का उद्घाटन किया। इसके बाद एक ITI का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री गोपेश्वर छात्र संघ समारोह में भी पहुंचे, जहां उन्होंने गोपेश्वर महाविद्यालय को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के पर्यटन मंत्री दिनेश धन्ने और शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी भी मौजूद थे। जो छात्र संघ के अध्यक्ष जी की मांग है उसके साथ, मगर कैंपस कहाँ खुले ये तय करना श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का काम है। मैं राज्य सरकार की ओर से उनको दो कैंपस खोलने के लिए आवश्यक संसाधन, आवश्यक पैसा देने का वादा करता हूँ। और पिथौरागढ़ में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने दावा किया है कि भगवानपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी। उनके मुताबिक प्रदेश सरकार की नाकामियों से जनता परेशान है और भगवानपुर की जनता बदलाव भी चाहती है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार को जीत उनकी तय है। भगवानपुर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों चुनाव लड़ रही है। जो प्रदेश की स्थितियां हैं उससे मुझे लगता है कि भाई निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जानी चाहिए। प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ स्तर पर काम कर रहा है, बड़े नेताओं के वहां पर दौरे हो रहे हैं और एक अच्छी व्यवस्था से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमें आशा है कि हम चुनाव जीतेंगे। और खटीमा में अवैध खनन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। यहां मिट्टी खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। वहीं सितारगंज इलाके में अवैध खनन कर रही एक JCB मशीन भी सीज की गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अवैध खनन के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। उधर ऋषिकेश में व्यापारियों ने यात्रा मार्गों को जल्द सुधारने की मांग की है। दरअसल ऋषिकेश चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है और यहीं से सामान पहाड़ों को सप्लाई होता है। व्यापारियों के मुताबिक यात्रा के दिनों में अगर सड़कें खराब होंगी तो माल सप्लाई कराने में दिक्कतें पेश आएंगी। और पिथौरागढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां के थाना कोतवाली इलाके के एक घर में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सोने के जेवरात और 2900 रूपये के साथ 3 नाबालिग गिरफ्तार किए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक तीनों आरोपियों को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस संबंध में घटनास्थल का मुआयना किया गया और मुआयने के दौरान ही 2 टीमें इसमें गठित की गई, SAG और कोतवाली की, और लगभग 1 घंटे के
अंतराल के अंतर्गत ही इसमें काफी कुछ खुलासा हुआ और आज इसमें तीनों जो नाबालिग अभी प्रकाश में आए हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और समस्त जेवर जो चोरी गया था और 2900 नकदी ये सब बरामद की गई है और इस टीम के लिए 2500 मेरे स्तर से और 5000 डीआईजी महोदय के स्तर से इनाम घोषित किया गया है। और कोटद्वार के सुमित हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र नेगी सहित उसके दो साथियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। बता दें आपको कि 22 मार्च 2015 को कोटद्वार में सुमित नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के दूसरे दिन ही पुलिस ने षडयंत्र रचने वाले को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सुरेंद्र नेगी फुलंदेवी हत्याकांड के आरोपी शेर सिंह का साथी भी है। फिलहाल मृतक सुमित की मां ने हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। सर, हरिद्वार पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा सुमित पटवाल की हत्या में वांछित शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। हत्या में पिस्टल बरामद किए जाने के बाद एक तमंचा थाना क्षेत्र में अभियुक्त के द्वारा फेंका गया था, उसकी आज बरामदगी कर दी गई है और अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य को संकलित करते हुए रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया। चाहती हूँ तीनों अपराधी पकड़े गए उनको फांसी की सजा, जिस मिलर को कुमार उनको भी वैसे फांसी सजा। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में योग गुरु रामदेव का 20वां संन्यास दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पतंजलि में सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। वहीं योग गुरु के संन्यास दिवस पर योग गुरु रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण भी मौजूद थे। इस मौके पर योग गुरु रामदेव ने कहा कि योग आयुर्वेद और स्वदेशी के माध्यम से देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा। योग आयुर्वेद स्वदेशी सत्ता व्यवस्था परिवर्तन और वैदिक संस्कृति के सेवा संघर्ष के ये 20 वर्ष कब बीत गए पता भी न लगा और इन 20 वर्षों के अल्पकाल खंड में करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके करीब 20 करोड़ लोगों से सीधा संवाद किया और आज पूरे विश्व पटल पर योग आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का गौरव देख करके मन में एक संतोष है। और पिथौरागढ़ महाविद्यालय के 50 साल पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति की मौजूदगी में सीमा पत्रिका का विमोचन किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एचएस भामी ने कहा कि पिथौरागढ़ महाविद्यालय से अनेक यादें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर विद्यार्थियों को संबोधित किया। यहाँ तक कहना पड़ा मुझको कि अगर 6% से परीक्षा में नहीं करा पाऊंगा तो मैं बहुत छोड़ दूंगा। लोगों को बुरा भी लगा, मुझे भी बुरा लगा, लेकिन मुझे विद्यार्थियों ने, मेरे शिक्षकों ने, मेरे जो कर्मचारी हैं सबने सहयोग किया है। हम परीक्षा शुरू करके और हम बहुत जल्दी जो भी बच्चा बाहर, मैं वचन दे सकता हूँ यहाँ पर, जो भी बच्चा परीक्षा में निकलेगा उसको रिजल्ट उसके हाथ में दूंगा ताकि वो कोई भी किसी रूप में अपने भविष्य के लेकर के कुछ चिंतित। और नैनीताल विश्वविद्यालय के कुलपति एचएस धामी की पहल से प्रदेश में राजभाषा को गढ़ने का कार्य शुरू हो गया है। उनके मुताबिक अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो उत्तराखंड की अपनी एक राजभाषा होगी। इसके लिए कुमाऊनी और गढ़वाली का मानकीकरण कर राजभाषा का स्वरूप जनता के सामने पेश किया जाएगा। भाषा किसी भी राष्ट्र किसी भी प्रांत की पहचान होती है। भाषा अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम तो होती ही है, साथ ही उस प्रांत की पहचान भी। और अब उत्तराखंड को भी ये पहचान मिलने जा रही है। यदि सब कुछ आसानुरूप रहा तो जल्द ही उत्तराखंड की राज्य भाषा का स्वरूप लोगों के सामने होगा। कुमाऊनी व गढ़वाली भाषा के मिले जुले स्वरूप में अस्तित्व में आएगी उत्तराखंड की अपनी राज्य भाषा। राजू पांडे, जी मीडिया, नैनीताल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के नेहरू युवा केंद्र में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी शामिल हुए। इस मौके पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। युवाओं का कार्यक्रम रखा गया है और इसी कार्यक्रम में हमारे अल्मोड़ा जनपद के जिलाधिकारी श्री सुमन जी ने जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके बारे में लोगों को सूचनाएं नहीं मिल पाती है, जानकारी नहीं मिल पाती है, उन सब को संकलित करके एक पुस्तक छापी है, उसका आज विमोचन हुआ है।
और नवरात्र के मौके पर टिहरी के सिद्धपीठों में भारी भीड़ जुटी। चंद्रबदनी, कुंजापुरी, सुरकुंडा और ज्वाला देवी में दूर दूर से लोग मन्नत मांगने पहुंचे। उधर चंद्रबदनी में 9 दिनों तक मेला लगा रहा, जिसमें कई नेताओं और मंत्रियों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस कार्य में मुझे बहुत मेरा महाबल बढ़ाया है और कहा है कि इसको एक नया रूप दिया जाएगा। इससे ऐसे मेले करने से, ऐसे स्थलों को शक्तिपीठ बनाने से हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी गाड़ी, जो जिनका कारोबार गाड़ी का है उनको रोजगार मिलता है, जिनका कारोबार होटल का है उनको रोजगार मिलता है। तो एक किस्म से ऐसे आयोजन करने से पलायन को रोकने में एक बहुत बड़ा मुकाम मिलेगा। और माँ चंद्रमदनी के जो दोनों हाथों के नीचे पूरा का पूरा सारा का सारा क्षेत्र समाया हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे रमणीक जो मतलब यहाँ से जो देखने का पूरा क्षेत्र का, उससे बड़ा नजारा मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में कोई और होगा। तो धार्मिक जो पर्यटक हमारे यहाँ पे, आज हम जैसे दिल्ली से 7 बसे यहाँ पे लोग आए हैं, जिसमें नॉर्थ उत्तराखंड भी काफी लोग हैं, तो वो भी जाके अपने अपने क्षेत्रों में, अपने गांव में लोगों को बताएंगे कि उत्तराखंड के अंदर इतने बड़े बड़े सिद्धपीठ हैं जिनको कि धाम में परिवर्तित करने की मुहिम मंत्री प्रसाद नेताजी ने चलाई है। अब खबर एक नजर। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है, जिससे लोगों ने रात की सांस ली है। दरअसल कुछ दिन पहले हनुमान चट्टी के पास भारी चट्टान टूटकर गिर गई थी, जिसके चलते 5 दिन बाद अब इस रास्ते को खोला जा सका है। उत्तरकाशी के ज्ञानसू के लोगों में खासी नाराजगी है। दरअसल जोशियाड़ा बैराज से नर्मदेश्वर मंदिर के नीचे सुरक्षा दीवार नहीं बनने से लोग परेशान हैं। उनके मुताबिक पुरानी दीवार की वजह से लगातार रिसाव हो रहा है, जिससे पानी उनके घरों और खेतों में पहुंच रहा है। वहीं उत्तरकाशी के कुटेटी देवी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ रही। श्रद्धालु यहां पूजा का सामान लेकर माता के दर्शन के लिए लंबी लाइन में खड़े रहे। सरोवर नगरी नैनीताल में ग्वेल देवता के मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। नवरात्र के मौके पर यहां रामायण का पाठ किया गया। इस मौके पर भजन कीर्तन भी किए गए। अल्मोड़ा के मंदिरों में भी रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। जिले के रामशिला मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। बता दें कि 1688 में ये मंदिर बनाया गया था और ऐसे माना जाता है कि भगवान राम वनवास के दौरान इसी रास्ते से बन गए थे। नवरात्रि के मौके पर ऋषिकेश में सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही मंदिरों और घरों में जगह जगह कन्या पूजन किया गया और भंडारे का आयोजन कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। मसूरी के सुरकंडा देवी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आसपास के जिले से लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भक्त नवरात्रि के दिन इस सिद्धपीठ पहुंचते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।